हेलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम और स्वागत आप सबका फिर एक नए व्लॉग में। और दिन की शुरुआत आज कमरे से हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी कॉर्पोरेट की तरह वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मेरा सारा ही काम आज लैपटॉप पे था। सुबह से मैं कुछ मार्केट की रिसर्च कर रहा था और इससे पहले वाला व्लॉग जो आप ऑलरेडी देख चुके हो वो अभी पोस्ट पे लगा रखा था, मतलब एक्सपोर्ट करा था उसको, ताकि शाम को 8:30-8 बजे तक सब रेडी मिले और मैं उसको सीधा पोस्ट कर दूँ, क्योंकि अपने व्लॉग की पोस्ट करने की टाइमिंग शाम को 8 से 8:30 के बीच में ही रहती है। और अभी कुछ मार्केट रिसर्च मैंने करी है तो उसके अकॉर्डिंगली 1 या 2 प्रोजेक्ट विजिट करते हैं और बच्चे कुछ दिन में देखते हैं फिर आज क्या होता है। एक था भाई गुड़गांव में गए, रास्ते समझण खातर आदमी ने पहला वो सिविल इंजीनियरिंग करनी बहुत जरूरी है, आर्किटेक्चर का एक कोर्स डिप्लोमा बहुत जरूरी है भाई। उसके बावजूद भी कौन सा रास्ता, कद वन वे हो जा, कद बंद हो जा, कद टू वे हो जा, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब जिस रास्ते तो 10-15 साल तक जान लाग रहे ना, ये बड़े बैरिकेड लगा के कह दे नहीं भाई साहब यहाँ से राइट नहीं ले सकते। क्यों जी? बस जी हमने बंद कर दिया। अरे भाई भले मनसो तुमने बंद कर दिया, के मतलब हो यार आदमी ये मनने के बेराग भाइयों रास्ता बंद है। अग्नि मैं तो अपने उससे हिसाब से रहूंगा ना भाइयों, जान वाला रोड है, यो आने वाला रोड है, थमने कद के बंद कर दिया और के खोल दिया, या एक नॉर्मल आदमी ने के बेरा भाई उड़ा सिटी सेंटर वाला यो अंडरपास यो भाई मेरे ख्याल में सारा ये शहर दोबारा बन ले मेरे ख्याल में टूट के यो फिर भी नहीं बन पाओगा, इसमें कुछ ना कुछ काम रह जाएगा। यो रैसा मैं आ ही गया जाए मारे दिमाग में आई मेरे बात, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल तो हो गए होंगे ना बनते ना, इसमें कोविड पोविड सब के मैं आ लिया जा लिया सारे डाल के ड्रामे हो लिए, इसका तोड़ नहीं मिल रहा भाई किससे ने भी। बाहर का आदमी आ नहीं सकता अरे, चाहे लंदन का आदमी आ जा, लंदन के रास्ते समझ में आ जाएंगे न्यूयॉर्क के, पर भाई गुड़गांव में के रास्ते से जनी समझ में आवे। यो फ्लाई ओवर है जी, यो क्या खाते रहे हो, यूटर्न का फ्लाई ओवर है जी, अच्छा रहे, यो अंडर पास है जी, यूटर्न का अंडर पास है, इसमें तो गलत पड़ गए, ईव न्यू करो जी, इसमें बढ़ के जित लिकड़ हो गए ना उड़े तो आगे जागे 4-1 किलोमीटर घूम गए फिर घुमा का हो और अगली बार आओ तो अंडर पास में मत पड़ियो, ऊपर ऊपर का जियो। बाकी न्यू है भाई कैपिटल इनकम है अपनी स्टेट की। और बात करें प्रॉपर्टी की तो भाई कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ लोकेशंस तो ऐसी हैं न्यूयॉर्क और लंदन तक भी फालतू कीमत है उन जमीना की और उन प्रोजेक्टा की उन फ्लैटा की, तो कहीं ना कहीं प्राउड भी महसूस होता है। नहीं नहीं बालक जबाड़ा नौकरी करना आ गए गाँव में तय या छोटे जिले छोटे कस्बे छोटे शहर में तय तय घर जाके जब अपने घर क्या ने बताओ मम्मी हाँ पापा मैंने उड़े रूम लिया रेंट पे, अच्छा भाई कमरा ले लिया कोडक है ठीक है, मतलब फिर भी आके देखा करे ये भाई यो कमरा शुरू अंत खत्म हो गया होता है क्योंकि वह खुले खुले घर देख रहा है क्यों ने इसका है 20,000 रुपए किराया ले तरा बल्ला यो ना सो रहा भाई तो उन्होंने लगा यार की आग लग रही यार है। पर हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, कहीं पे उस जमीन की वैल्यू कोड़ियों के भाव होती है, कहीं पे करोड़ों के भाव होती है, तो बाहर का कोई आदमी आओ उसका तो बहुत धक्का लग गया भाई। ये रोहतक में भाई 5 रुपये ऑटो वाले तो दे गए ना, रुपये भी 5-6 देने हैं ऑटो का आगे हाथ दे गए ऑटो में बैठ जाओ जित उतरना उड़ो उतर जाओ और अपने 5 रुपये दे गए और उतर लो बस यो भाड़ा है भाई। ईब को बच्चे जी बताओ थी मम्मी बताओ थी और लोग भी बताओ था कि कई जगह 7 या 10 रुपये हो गया बढ़ के आड़े कोई से ऑटो में बैठ जाओ 50 रुपीज तय अपनी अपनी गली के ले लिया भाई। तो मना तो बताइए थी मास्क लगाने की निंजा टेक्निक, इसको ऐसे चश्मे के भीतर दबा लो। बाकी भाई वाह बात है कि गांव में जिन दौर सबके में था आज वो शहर में किराएदार हुए बैठे हैं, वाह 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 वाह। इस पर मैंने एक रील लिख भी रखी है, मैं पोस्ट करूंगा, कोशिश करता हूँ आज ही पोस्ट करूँ बना के। और इसके बाद जब तक मैं पहुंचूंगा तो घर पे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, अच्छा मैं अंग्रेजी में क्यों कहूँ भाई, तो मनाज वे दिन याद है यार, मैं 8वीं 9वीं में यार था
ਘਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਗਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਖੁਦ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੇ ਹਮ ਵੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕਿ ਜਗਰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਏਂਗੇ ਪੀਏਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਈਵਨ ਸੋਚਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਇਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਇਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਖੁਦ ਕੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਕਦੇ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਊਂ ਔਰ ਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਤੋ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੇ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਊਂ। ਤੋ ਜੋ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਪੜੇਗਾ ਜਬ ਸੋਚ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਮ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਵਾਂ ਭਾਈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਤੇ ਲਾਤੇ ਸੁਕਾਂਤੀ ਆਉਣ। ਤੋ ਯਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਈ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਸਟੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਗਰ ਕੋਠੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਉਨਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ 20ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰ ਲਿਆਂਗੇ 25ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਮੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁੜਗਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਰੋੜਾ ਪਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੀਗੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ ਟਰੀਨ ਬਜਾਏ ਰਹੇ ਟਾਇਰ ਚੜਾਏ ਨੂੰ ਅਣ ਹੋਏ ਰਹੇਗੇ ਬਾਈ ਕੁੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਜੁਗਰ ਯੂੰ ਤਾਂ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਸ ਪੈ ਆੜੇ ਤੀ ਜਾ ਸਕੋ ਆੜੇ ਤੀ ਉਹ ਟੂ ਵੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਜਿਕ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਏ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆੜੇ ਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਨ ਵੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਯਾ ਉਪਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂ ਉਸਕਾ ਇਹ ਬਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਮੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਨੇ ਤੋ ਵੋ ਆ ਚੁਕੇ ਆ ਮਿਲਵਾਤਾ ਹੂੰ ਗੈਸਟ ਸੇ। ਮੀਟ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਟੈਲ ਯੋਰ ਨੇਮ ऐसे थोड़ी सुनता थोड़ी उनको दैट्स इट इज दैट योर नेम नथिंग एल्स युवान हुडा प्रीतरा बुंडा में क्यों बना हुआ है। तो भाई ये अमेरिकन जाटे नहीं सी हिंदी आ है कुछ हिंदी में बुलवाना मामीन से बोलो युवान। ये मेरे दूसरे वाले छोटे वाले मामा के बच्चे हैं दोनों एंड दीज आर ट्विंस मीट मिस व्हाट्स योर नेम वो इतनी शर्मा हुआ है टेल मी योर नेम चल मियो नेम पीटूंगा भाई आना बताती नाम चल डायलॉग सुना दे युवान यार इधर आई विल पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब और ले जाओ अमेरिका मम्मी ये नए शर्माए जाएंगे ठाक ले बस हुई सुना कैन यू शो मी एनी मैजिक ट्रिक फ्रॉम कार्ड्स भाई ने जादू भी आवे अमेरिका सिक्का रहे हो वासु भाई को कार्ड्स दे आज इससे ट्रिक देखते हैं करवा के गुड़गांव में टक्कर मारने लग रहा हूँ मेरी ना सुनता मन लेके चल आगे रागली पे लेके चल लगा के विल यू टेक मी अलोंग नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस प्रॉमिस ਬਹੁਤ ਔਰ ਕਸੂਤਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਆਜ ਤੱਕ ਤੀ ਦੇਸੀ ਆਲਾ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਯਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਯਾ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਫਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਡੂ ਯੂ ਬਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਭਾਈ ਯੂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਮਿਲਤੇ ਹੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆੜ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਸ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਬਕਾਓ ਮਤ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਕਾਰਡ ਓਕੇ ਓਕੇ ਡਨ 1 2 ਭਾਈ ਉਸ ਪਾਸ ਚਾ ਦੋ ਲਕੋ ਰਹਾ ਉਹ भाई मैंने पकड़ लिया भाई पकड़ लिया दो ताश तेरे अरे मैंने पका हुआ देर आर टू कार्ड्स इन द बिगनिंग इसने के मैं आओ भी है का आप असली जादू कर रहे हो मम्मी
You have to hold it like this. Is that your card? Oh, bitte. Clapping for Yuan. Come on, clap. What's your age, Yuan? But तेरी उम्र मन नाक साफ करना आ गया था थोड़ा मोटा कार्ड्स की तो बात छोड़ बाकी गिव मी हाई फाई इट वाज वेरी गुड तो घना करड़ा मारा यार हाई फाई मारने तोड़ेगा इन हाथा ने वाह सु यार आप इनको कैमरा फ्रेंडली बनाओ यार मैं कैसे बना दूं और यार आपके आपके छोटे भाई बहन है यार आप इनको थोड़ा कैमरा फ्रेंडली करो इस तरीके से है तो आपके भी मामा के लड़के आपके भी तो मामा के लड़के है ना आपका भी फर्ज बनता है समझाना मैंने तेरे को समझा दिया अब तू इनको समझा इनको भी आपको ही समझाना है अच्छा जी अच्छा तो ले भाई बाड़क बुड़ू का गमन है कि मैं चाट पापड़ी खाने का तय मार्केट तो वो ले आऊंगा चाय ये क्या आ गई भाई तो वो ले तो बड़ा खतर भाई गोलगप्पे गाड़गप्पे टिक्की ले आवा अरे क्यों कागज पकड़ाना है किसी तो काम में निपटाया बाकी फिर अपना ब्लॉग खत्म कोई तो ऐसा होता है ना 6-7-8 प्लेट भी खा लेता होगा भैया 4-5 प्लेट की तो बहुत बहुत लोग आई होंगे चटोरी यार पानी एक्स्ट्रा कर दियो भाई एक बात और बताऊं तारे थे कोई छोरे की बात होगी ना ये छोरी न्यू करेंगी नहीं यार वो तो यार हाइजेनिक सा लड़का नहीं है और गोलगप्पे वाला चाहे कितना है बेसूरा हो सुरड़ा क्योंकि नहीं यार उस वाले भैया के ज्यादा अच्छे हैं भैया थोड़ा पानी और डाल दो ए तरा भल्ला यो 1 रुपया का एतबार नहीं थारे वह भी ठीक सा भाई बाकी ये पैक पुक करवा लिया गोलगप्पे गोलगप्पे लेकिन टाइम लग गया दुगना 20 मिनट का काम था इस टोटल उसमें पर 40-45 मिनट लग गए मैंने वो डॉक्यूमेंट वाला काम करने में इसमें आ रही व्लॉग पोस्ट करने में मैं लेट हो रहा हूँ 8:30 बजे तक मैं मैक्सिमम पोस्ट कर देता हूँ अब 9:05 हो चुके हैं तो मैं वापस घर जाता हूँ जल्दी से व्लॉग पोस्ट करता हूँ गाने मैंने देखा बीच में चल पड़े थे फिर बंद करने पड़े क्योंकि कॉपीराइट बहुत स्ट्रगल है भाई बहुत स्ट्रगल है व्लॉगिंग में तो जल्दी से जाता हूँ मैं व्लॉग पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग भी धीरे वेट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो नीचे शेयर का ऑप्शन आता है वहाँ से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भेज दो या लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर दो मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सारी हिम्मत मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में धन्यवाद ध्यान रखें अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें स्वस्थ रहें और जय हिंद Thank you.